नमस्कार दोस्तों, आज अपन जानेंगे कि कैसे अपन फिफ्थ और एट्थ क्लास के जो बोर्ड फॉर्म्स होते हैं उनमें फॉर्म फिलिंग करते टाइम कुछ करेक्शंस अपने निकल आते हैं, जैसे कोई ओबीसी का हो गया, डेट ऑफ बर्थ का हो गया। उन करेक्शन को अपन कैसे दुरुस्त करें, कैसे सही करें, तो सबसे पहले अपन को प्राइवेट स्कूल पोर्टल है वहाँ पे जाके अपन को अपनी डिटेल्स वगैरह चेक करनी होती है, और उस पोर्टल से ही अपन को सारी डिटेल्स अपडेट करनी होती है। जो पोर्टल अपना प्राइवेट स्कूल पोर्टल होता है ना, वहाँ से अपन को बच्चे की डिटेल फाइंड आउट करनी है, और वो डिटेल फाइंड आउट करके उस बच्चे की डिटेल्स को अपन को अपडेट करना है। तो सबसे पहले अपन, जैसे ये एक बच्चा इसमें कास्ट का एरर है, इशू है कि बच्चे की कास्ट दूसरी होनी थी और दूसरी है, तो प्राइवेट स्कूल पोर्टल पे जाके अपन बच्चे की जो कास्ट है उस कास्ट को यहाँ से अपन एडिट कर लेंगे। बच्चा फाइंड आउट कर लेते हैं, एक बच्चा है, ये बच्चा है, इस बच्चे की अपन को कास्ट वगैरह अपडेट करनी है, तो यहाँ से इस बच्चे की कास्ट को एडिट पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा बूट होगा, बूट होने के बाद ये जैसे ही ओपन होगा उसमें अपन बच्चे की यहाँ से पीएसपी पोर्टल, प्राइवेट स्कूल पोर्टल से अपन बच्चे की जो कास्ट है वो अपडेट कर देंगे। जैसे कास्ट मैंने अपडेट कर दी और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये यहाँ से पोर्टल से सेव होते ही, जो अपना पीएसपी पोर्टल है उससे सेव होते ही अपना साला दर्पण पर अपन जाके वहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, उस बच्चे का फॉर्म अपन ओपन करेंगे, तो वहाँ पे वो जो अपने कास्ट अपडेट की थी वो कास्ट अपनी अपडेट होके आ चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं देख रिफ्रेश करके चेक करवाता हूँ आपको। ये रिफ्रेश हो जाता है एक बार, ये अपना रिफ्रेश हो गया, ये पीएसपी से अपडेट हो गया है। अपन साला दर्पण पे अब जाके अपन चेक करते हैं, ये साला दर्पण पे आ गया। अपन बच्चे का फॉर्म अपन अप्लाई करेंगे, बच्चे के फॉर्म को ठीक है अप्लाई करेंगे, तब अपने सामने बच्चे की डिटेल्स वगैरह शो होंगी। जैसे अपन अप्लाई करते हैं ये फॉर्म ओपन हो गया अपने सामने, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि बच्चे की जो डिटेल थी उसकी कैटेगरी थी वो कैटेगरी अपडेट हो चुकी है। फिर यहाँ से अपन इसकी डिटेल्स को सेव करेंगे, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह, और इसका मीडियम वगैरह वो सारी चीज़ें अपन ने डाल दिया है, सब कुछ चेक कर लिया है। थर्ड लैंग्वेज अपन ने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अपन इसकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो मैं फ़ोटोज़ सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसकी बच्चे की फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइज़ वगैरह मैंने रिसाइज कर रखी है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि बच्चे की फ़ोटो की क्या साइज़ होगी, सिग्नेचर की क्या साइज़ होगी। गो टू द नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करके अपन इस फॉर्म को सेव कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से अपन ये फिफ्थ और एट्थ क्लास के बोर्ड फॉर्म्स हैं उनमें करेक्शंस कर सकते हैं, नाम, डीओबी, किसी भी चीज़ में अपन करेक्शंस कर सकते हैं। पीएसपी पोर्टल से अपन को करेक्शन करके सेव करना है, उसके पश्चात अपन को साला दर्पण पे उस करेक्शन को चेक करना है रिफ्रेश करके, तो वो करेक्शन हुआ हुआ। कई बार ये हो सकता है कि अपना डाटा वगैरह सिंक नहीं होता सही से, तब उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज हाथों हाथ ही आपका डाटा सिंक हो जाता है पीएसपी पोर्टल से साला दर्पण पर। ठीक है, इस प्रकार अपन करेक्शंस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और